हमारे साथ एक कस्टमर आए हैं जो अपना एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं और वो भी आ रहे हैं डायरेक्ट इंदौर से, तो आइए उनसे ही बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आया हूँ। सर का मैंने काफ़ी नाम सुना था और अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, मतलब देश को हाइजीनिक बनाने के लिए जो इनका प्रयास है, आगे सफल हो इसी आशा है मेरी। और मैंने अभी ये पानीपुरी का मशीन परचेस किया है और इसके साथ में एक मशीन और लिया मैंने टी का, जो ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है उसमें। बाकी अभी फंक्शन और सीखना है, बट काफ़ी अच्छा प्रयास है। अभी इसमें 6 नोजल हैं और उसको कैसे यूज़ करना है ये सर से मैं अभी सीखूंगा। तो इन्होंने आज इंदौर से आए हुए, इन्होंने आज 2 मशीन बुक किया है। वो एक है सबसे लेटेस्ट मॉडल जो हमारा, जो है ऑटोमेटिक चाय वाला मशीन, जिसके अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक जो चाय आती है, वो भी घर जैसी चाय, वो बन जाती है। और एक परचेस किया है हमारा 6 नोजल पानीपुरी का मशीन। ये आज आए एक न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, एक न्यू प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए हम स्टार्टअप जो भी होते हैं उसके लिए स्पेशल ऑफर भी हम प्रोवाइड करते हैं कि इंडिया के अंदर भी न्यू एंटरप्रेन्योर डेवलप हो और एक हाइजीनिक इंडिया बनाए। तो इसके लिए उनको पूछते हैं कि क्या देख के आपने ये जो चॉइस किया और आपको आइडिया कैसे आया कि ऐसा एक स्टार्टअप किया जाए, और आपके लिए प्रेरणादायक कौन रहा? मेरे लिए प्रेरणादायक तो फिर मैं बताऊंगा MBA चाय वाला है, काफी उनकी फेमस वीडियो में देखता हूँ। मतलब उनके प्रयासों से वो जैसा भी सिखाते हैं, मुझे लगता है यार हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं हमारे PM मोदी, और मेरा जो लेने का प्रयास यही था कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मशीन तो इनका अच्छा है ही है और लोग काफी पसंद करें, इसी आशा के साथ मैंने इस मशीन को लिया है। ओके, तो आपको जब ये न्यू स्टार्टअप करने का ख्याल आया है, MBA चाय वाले का आप एग्जांपल देखते हुए, फिर आपके वहां पे चाय सुट्टा बार का एक एग्जांपल है, बहुत सारे न्यू स्टार्टअप भी है, राइट? तो फिर आपको आजू बाजू वाले ने रोका नहीं? आपके दूसरा जो बंदे का हर बार 2 माइंड होते हैं, या मैं धंधा करूंगा या फिर मैं जॉब करूंगा, धंधा में करूंगा या सक्सेस होगा या नहीं होगा, या फिर मैं जॉब करूंगा तो मेरा अच्छा रहेगा, मेरा हर महीने इनकम तो आती रहेगी, तो इसके लिए आपने क्या सोचा और इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया आपने? इतना बड़ा रिस्क ऐसे लिया कि हम लोग अभी जॉब कर रहा हूँ मैं ऐसे तो, बाकी अभी किसी ने बताया कि भाई आपको कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है एक जॉब से, लेकिन हम अभी इसमें कम्फर्ट है। अब जब तक हम जोखिम उठाएंगे नहीं, जब तक आगे बढ़ नहीं सकते, इसीलिए मैंने ये रिस्क लिया है। जिंदगी में सफल होऊंगा बिल्कुल भी नकारात्मक सोच नहीं है, पॉजिटिव सोच है, और पूरी कोशिश रहेगी कि अपना जो देश है आगे बढ़े। और सर जो काफ़ी मशीनों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह प्रयास करते रहे और सर भी आगे बढ़े और हमको भी आगे बढ़ाए। तो देखिए, इन्होंने भी एक रिस्क लिया, अपने कम्फर्ट जोन में से बाहर निकले। जैसे ही एक MBA चाय वाला भी अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकला था, वैसे ही चाय सुट्टा बार वाला भी कंफर्ट जोन में से बाहर निकला हुआ था। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे सेकंड रिचेस्ट मैन जो है जेफ बेजोस, वो भी एक बार शानदार तरीके से जॉब कर रहे थे, और जॉब की जगह उन्होंने सोचा कि मैं भी आज बिजनेस करता हूं, तब जाके वो वर्ल्ड के सबसे सेकंड रिचेस्ट मैन बने। तो आपके आजू बाजू सराउंडिंग वाले भी लोग बताएंगे कि यार जॉब ही करो, अच्छे से धंधा चल रहा है वैसे चलने दो, पर लेकिन आपको अपना जो कंफर्ट जोन होगा वो तोड़ना पड़ेगा और एक बार रिस्क लेना पड़ेगा, एक न्यू स्टार्टअप करना पड़ेगा, और ऐसा स्टार्टअप हो जो आपकी सिटी में किसी ने ना किया हो, ऐसा स्टार्टअप हो या आपके स्टेट के अंदर किसी ने ना किया हो, पूरा यूनिक होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, वैसे ही आप एक स्टार्टअप कर सकते हो। ये भी आपके कल में नेक्स्ट MBA चाय वाले है, या एक हाइजीनिक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, इनको हर बार ऐसा लगेगा मेरे को लाइफ में अंदर कुछ करना है, तो मैंने एक बार रिस्क लिया और मैंने करके दिखाया। तो वैसे भी इनके स्टार्टिंग में एक आउटलेट से स्टार्ट करे, बहुत ही गारंटी है कि इसके 100+ आउटलेट हो गए, जैसे हर कंपनी के होते हैं। ऐसे ही मैकडॉनल्ड ने भी एक ही आउटलेट से स्टार्ट किया था, डोमिनोज ने भी एक ही आउटलेट से स्टार्ट किया है, और इन्होंने आज बुक करवा के एक जो लंबी का सीढ़ी का स्टार्ट होता है, सीढ़ी का पहला कदम आज उन्होंने रखा हुआ है। तो आने वाले टाइम में भी आपको देखेंगे 100+ आउटलेट के साथ है। बिल्कुल, थैंक यू सर की प्रेरणाओं के लिए, और इतना अच्छा उन्होंने मोटिवेशन दिया तो और थोड़ा सा अंदर से हिम्मत आ गई कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। ये भी आज एक पहला कदम रखा हुआ है, वैसे आप भी एक अपने स्टार्टअप का एक पहला कदम रखिए और ऐसा स्टार्टअप करिए
जिस स्टार्टअप से लोगों को फायदा हो, आपको तो फायदा बाद में होगा, पर सबसे पहले सोचिए लोगों का फायदा हो, लोगों को हाइजेनिक सिस्टम में पानी पूरी मिले, या लोगों को हाइजेनिक चाय मिले, या लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ऐसा यूनिक स्टार्टअप करिए जो मार्केट के अंदर कोई भी ना हो, या ऐसा यूनिक करिए कि मार्केट के पूरा डिफरेंट हो, और ऐसा स्टार्टअप करिए जिससे बहुत ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। एक बार आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक बार लाइक कीजिए, और आप भी कौन सा स्टार्टअप करना चाहते हो एक एंटरप्रेन्योर इंडिया बनाने के लिए, एक कमेंट में आप बताइए।